पराय स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाना जिसे व्यभिचार कहते हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है इसका आध्यात्मिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर आपके दिल में प्यार नहीं है तो आप व्यभिचारी ही हैं। अगर आपने ऐशो आराम के लिए खुद को जीवन के किसी पहलू के हवाले कर दिया है जरूरी नहीं कि वो आदमी हो या औरत हो दिल में प्यार के बिना अगर आप खुद को जीवन के किसी पहलू के हवाले कर देते हैं तो आप एक व्यभिचारी हैं है ना तो क्या मैं व्यभिचार के खिलाफ हूं हां उस मायने में हां हर पहलू के साथ लेकिन अगर आप उस बारे में बात कर रहे हैं जिसे समाज व्यभिचार मानता है तो यह उस व्यक्ति पर है और जो भी काम आप करते हैं उसका एक नतीजा होता है लेकिन अधिकतर लोग जब नतीजे सामने आते हैं वो उन नतीजों का सामना करने को तैयार नहीं होते लेकिन उन नतीजों का सामना किए बगैर ही वो ऐसे हालात चाहते हैं जिनका वो मजा ले सकें फिर हु इज नॉट विलिंग कोई भी इंसान जो अपने किए हुए कामों के नतीजों को खुशी खुशी स्वीकार करने को तैयार नहीं है वो बस एक मूर्ख है और मूर्ख वो होता है जो अपने ही खिलाफ काम करता है जो अपने ही खिलाफ काम करता है कोई भी इंसान जो खुद को अपने खिलाफ कर लेता है या कर लेती है उनके बारे में हम क्या कहें तो अपने कामों के जरिए अगर आप खुद को अपने खिलाफ कर रहे हैं बिकॉज यू डू क्योंकि आप बिना सोचे चीजें करते हैं आप चीजें चुनाव से नहीं कर रहे आप चीजें बिना सोचे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने शरीर के या भावनाओं के एक पहलू के आगे झुक गए हैं तब यह निश्चित रूप से ठीक नहीं है क्योंकि आप अपने लिए तकलीफ पैदा करेंगे कोई भी चीज जो किसी इंसान के लिए तकलीफ लाती है खासकर उसके खुद के लिए क्या वो ठीक है कोई इंसान जो खुद के लिए दुख और तकलीफ को न्योता देता है वजह चाहे जो भी हो उसका कोई तुक नहीं है मैं किसी चीज के खिलाफ या पक्ष में नहीं हूं मैं चाहता हूं कि आप समझदारी से जिएं। जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा समझदारी लगे आपको वही करना चाहिए क्या यह गलत है क्या वो गलत है मुद्दा यह नहीं है क्या आप अपना जीवन समझदारी से जी रहे हैं सवाल बस यही है या क्या आप किसी चीज के गुलाम हैं और मेरी सहमति लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी बेवकूफी के लिए नहीं मैंने न तो किसी काम के लिए मंजूरी दी है और न ही नामंजूरी दी है एज लॉन्ग जब तक आप उस बारे में समझदारी से बर्ताव कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं नासमझी भरा जीवन पाप है है ना अगर आप समझदारी से जीते हैं, इस तरह से कि ईश्वर भी आप पर गर्व करे तो ठीक है अगर आप बस झुक गए हैं अपने शरीर के या भावनाओं के या मन के तरीकों के आगे और अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं तो यह समझदारी नहीं है तो ऐसी बेवकूफी क्या यह गलत है मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है यह बस बहुत सीमित और बेवकूफी भरा है मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज को सही या गलत नहीं कहा है लेकिन जो भी चीज सीमित या बेवकूफी की हो वो करने लायक नहीं है तो मैं कहूंगा कि व्यभिचार करने लायक नहीं है क्या यह सही है या गलत मैं कौन होता हूं जीवन की किसी चीज के बारे में फैसला करने वाला मैं जीवन के बारे में फैसले नहीं सुनाता लेकिन ये मूर्खतापूर्ण और सीमित है कि आप अपनी खुद की तकलीफ का कारण बने किसी ऐसी चीज के आगे झुक जाना मूर्खता और नासमझी है जो आज सब कुछ लगती है और कल आपको बेवकूफ जैसा महसूस कराती है है ना उस चीज के आगे झुक जाना बेवकूफी होगी जो आपको आज सब कुछ लग रही है और वही कल सुबह आपको खुद मूर्ख जैसा महसूस कराए किसी दूसरे को नहीं ये जीने का नासमझी भरा तरीका है आपको इस तरह से जीना चाहिए इतनी समझदारी से कि देवताओं को भी आपसे जलन होनी चाहिए अगर आप इतनी समझदारी दिखाते हैं तब आपके जीवन में कुछ सही या गलत नहीं है अगर आप में ये समझ नहीं है तो आपके जीवन में हर चीज़ गलत है